अध्याय 11। स्वराज आश्रम मा रही मित्रों साथे एम पांडुरंग आगळ वधे साधना पंथे तेम। ते समय गांधीजी पारखी देशनी नाड सर्व अनर्थन मूड छे दारू दैत्य कराड। अंग्रेजों ना राज्य मा शहर के गामडा माय ठेर ठेर दारू तना पीठा उघड़िए जाय। मध्यपान थी मानवी बनी जाय हैवान तन मन धन नो नाश ए करे भूली ने भान। दानव दारू ए करियो देश बधो बर्बाद एनो नाश करिया विना थवाय न आबाद। माटे पीठा दारू ना यदि बंध करी देवाय दारू केरा दैत्य थी तो ज देश बचावाय। परवानो लै राजनो वेचे दारू जे तेने बंध करावूं अशक्य निसंदेह। तेथी शोध्यु गांधीए दारू पीवा जाय जे जे देशी बांधवो तेने अटकावाय। तो दारू पीवा पछी आमन जो को जाय वणगरा के ए पीठा स्वयं बंद थई जाय। एम विचारी गांधी आप्यू ए ऐलान अटकावो दारू पिता जागो हे युवान। दारू ना पीठे जाई उभा रही ते ठाम दारू पीवा जनार ने समझाओ कई आम। दारू ए तो दैत्य छे करे सर्व ए नाश माटे दारू कैंक विचारो खास। दारू शत्रु देश नो दारू छे शैतान पड़े पेट मा मानवी बनी जाय हैवान। रोको मध्य पिनार ने समझावी ने आम देश दाज जो होये तो करो आटलू। कई कयुवानो दौड़िया सुनी ए पड़कार दारू पीठे जई खड़ा अटकावे ते वार। अपना पांडुरंग ने देश दाज थी रत वचन सुनी गांधी तनु दौड़िया पोते दूर। रीची रोड पर त्या हतू दारू पीठू एक
ત્યાં આવી ઉભા રહ્યા પ્રાત કાળથી છેક જે કો શરાબી આવતો દારૂ પીવા જાય તેને પાછો કાઢતા સમજાવીને ત્યાંય યૌવન સહજ નિર્દોષતા ને તેજસ્વી જબાન ભલ ભલા દારૂ પાછા વળતા જાણ આમ કંઈક દારોડિયા પીધા વીણ જો મધ્ય પાંડુરંગના પ્રેમથી પાછા વળ્યા સદ્ય ત્યાં તો આવી બાઈ એક દારૂ પીવા કાજ સાવ સ્વચ્છંદી છાકટી નહીં શરમ નહીં લાજ મરકત મુખડે બોલિયા જોડી બંને હાથ માશા માટે જાય તું થાવાને બરબાદ ભયંકર જાણ સર્વનાશ કરશે અરે માડી મારું માન પણ તે સ્ત્રી માની નહીં મૂકી ત્યાંથી દોટ ચાલી ગઈ પીઠા મહી રહી ભોટની ભોટ વિસ્મય પામી પાંડુરંગ વિચારતા નિજ મન વ્યસનથી આ સ્ત્રી તણું કેવું થયું પતન ફાટ્યા મેલા વસ્ત્રને મળે ન પૂરતું અન્ન તોય મદિરા પાનમાં ખર્ચે છે આ ધન મારી ભારત માતનો કેવો વરવો વેશ અરર ક્યારે વાગશે હવે બસ આ સ્ત્રી તણો છોડાવું હું મધ્ય તો જ ભારત માતનો સાચો સેવક અધ્ય આવતીકાલે હું હવે અહીં જ ઊભો રહીશ જો આ સ્ત્રી આવશે તો તુર્ત અટકાવીશ ઘેર ગયા શ્રી પાંડુરંગ કરીએ વો નિર્ધાર સૂતા રાત્રે પથારીમાં ખૂબ કર્યો વિચાર શું શું કહેવું એહને કેવી વાત વિવેક જેથી પીતી બંધ થાય બાઈ છાકટી છે પ્રાતઃ કાળ થયો અને આપણા પાંડુરંગ પીઠે જઈ ઉભા રહ્યા ધારી મન ઉમંગ જોઈ એમને ત્યાં ખડા દારૂડિયા શરમાણ નીચું મુખ નિજનું કરી વળ્યા પાછા તત્કાળ ત્યાં તો પેલી બાઈ જે પીનારી અદલ વરવા વેશે મધ્યપી આવી ગઈ તે સ્થળ પગલે ચાલી એ નફટનારી તે એની સામે આવીને જોડી બંને હાથ બોલ્યા પાંડુરંગ કે માન મારું તું માત શા માટે દારૂ પીવે વેડફે છે તું ધન એટલા દ્રવ્યનું લાભ તું વસ્ત્ર પાત્ર કે અન્ન
तो खांसी खाई ने थूकी गड़फो बहार खें खें करती तो छड़ी वाणी बोली नार कौन मने के नार तू तारी शी पंचात मारा निजना शोख मा शिद तू नाखे हाथ पांडुरंग कहे माँ बड़ी तारू आ अज्ञान तुझने रहसी नाख से भूलावी ने भान जिसने तुझने वश करी की दी छे खुवार माटे दारू छोड़ी दे माड़ी तू आवार धक्को त्यां तो मारती पांडुरंग ने एम सद्वर चाली गई आहा पीठा माए तेम अंदर ढीची खूब जो बनी मध्य चकचूर थोड़ी वारे नीकड़ी दुर्गंधे भरपूर जोई लथड़ते टाटिये जातिये ने त्याय घृणा थई श्रीरंग ने विचारता मन माय अरे मूर्ख अज्ञान आ बेड़फे यौवन धन गमे तेम करिया मनु छोड़ावू व्यसन एवो निश्चय मन करी पांडुरंग प्रतिदिन आवी पीठे विनवता बोली मधुर वचन मध्यथी मुक्त करावा आस्त्री ने तेवार पांडुरंग नो मन विषे पाको छे निर्धार आ बाजू आ बाई पण व्यसन तणी गुलाम हठ राखी पीधा करे मचकन आपे आम आम विद्या कई कदी सुन निरंजन बाळ एक दिवस ते बाई ने पांडुरंग तत्काल केवा कई ज्यां जाय छे त्यां तो पेली बाई बोली सन्मुख आवीने व्यर्थ वदे तू भाई पहला मारा प्रश्ननो जवाब आपी दे पछी तारे जे मूझने कहवू होते के बोल रोज सवार मां चा पीवानी एम टेव तने छे के नहीं साचू कह जे एम पांडुरंग विस्मय थई बोल्या पोते त्याय रोज सवार मां माहरे जोईये बैकअप चाय मर्म हसी मक्कम स्वरे पूछे पेली बाई शामाटे दर रोज तू चा पिए छे भाई पांडुरंग कहे चा विना चाले ना एक दन साचु कहूं ए चातनू पड़ी गयू व्यसन खड़ खड़ हास करी तिहा बोली बाई वचन तारी पेठे छे मने दारू के रु व्यसन चाले न तारे चाविना मारे दारू वीण न चाले ओ भाईला ये वीण थाऊ क्षीण मारा माँ कहे क्या रह्यो कोई भेद
વ્યસન તને છે ચાતણું મુજને મધ્યનું એમ આપણ બંને ગુલામ છીએ વ્યસન તણા હાતે ટકોર બંધ બાય તણા શબ્દો જાણે પાણ ઉરમા જો પેસી ગયા પાંડુ રંગ ના જાણ શબ્દ બાણ ઉરવા ગયા ઉઠ્યો એક વિચાર છે ખરો શું આ બાઈ ને કહેવા મુજ અધિકાર હું પોતે જ ચાતણો રસની ને ગુલામ ના મુજને અધિકાર છે કહેવાનો કૈયામ જે પોતે જ બની ગયો જાના વ્યસને બધ બીજાને છોડાવવા દેશે થાય પ્રવૃત્ત જો હું ચા પીવાતણું દઉં છોડી અધ્ય તું શું છોડી દઈશ કહે પીવાનું એ મધ્ય હૈયાના ઉડાણથી નીકળેલા એ શબ્દ સુણી બાઈ બની ગઈ પલભર ત્યાં તો સ્તબ્ધ જોઈ આયુવાનની આંખ થકી ની તરતી નરી એ નિર્દોષતા હૈયું ભી જવતી ભાવોત્રે કે ભાંગી ગઈ ભોગળ ભય ભ્રમની સ્નેહ સરિત માં વહી ગઈ વ્યથા બધી મનની તૂટ્યા બંધન મન તણા અખંડ સ્નેહ પ્રવાહ નયનો દ્વારા વહી રહ્યા રહી ના હૈયે આ શબ્દો બાઈના થઈ મનમાં પ્રસન્ન વધ્યા વળા મે પ્રેમથી ધન્ય માતા સંપન્ન ચા છોડીને જરૂર હું આવીશ અહીં એકદન આપણ બંને વ્યસનના તોડી શું બંધન એમ કહીને પાંડુરંગ સુખે ગયા નિજ ઘેર તે દિનથી ચા પાનને વર્જ ગણ્યું સુપેર એમ આઠ દિવસ સુધી લેતા ન ચા લગાર આઠ દિવસ માં ન કદી કર્યો ચાનો વિચાર નવમે દિને પાંડુરંગ થઈ વહેલા તૈયાર આવીને ઉભા રહ્યા પીઠા કેરે દ્વાર રાહ જોતા બાઈની રાખી નયન અધીર ઉભા જાણે સજ્જ થઈ ઉભો કો ભડવીર ત્યાં તો સામે આવતી દેખાઈ એ બાઈ પાંડુરંગની આંખમાં ચમક અનેરી છાઈ ત્યાં તો આવી બાઈએ પાંડુરંગની પાસ સન્મુખ આવીને ઊભી કરતી મધુર હાસ બોલ્યા પાંડુરંગ ત્યાં ત્યજી દીધી મે ચા છોડ માત હે દારૂ તું અહીંથી પાછી જા હૈયા કે રાહેત થી બોલાયેલી વાણ એ સ્ત્રી ના હૈયા મહી સોસરી ઉતરી જાણ થોડ
भी एक क्षण एक ने करी कईक विचार, बोली बाई हृदय थी करी एक निर्धार। कही पाछी वड़ी क्षणे न लागी वार, अहो भाव थी वंदता पीठ पांडु ते वार। हाथ जोड़ी उभा रह्या नेत्रे छलकाया जल, जा सुधी बाई देखाई आ जोताए पड़ पड़। त्यां तो विस्मय पामी ने पूछे निरंजन बाळ, अरे आ तो विपरीत कई बात करी दयाळ। खूब भणेल गणेल ने साधक सात्विक जे, शा माटे वंदन करे नफट स्त्री ने ए। सुनी प्रश्न निज शिष्य नो हस्या अलख तत्काल, आपे उत्तर प्रेम थी सांभळ तू मुझ बाळ। पांडुरंग ने उपजो अहो भाव स्त्री पर, तेथी तेने वंदता मानी निज गुरुवर। क्या तो अति आश्चर्य थी विस्फारित करीने, पूछवा लाग्यो शिष्य त्या बनी जरा अचेन। केवी वात करो प्रभु मध्य पिनारी नार, केवी रीते गुरु बनी रंग तणी आवार। वड़ती वदता लखजी करी हास्य गभीर, थोब हमणा हूँ कहूँ तने धर जरा तू धीर। पांडुरंग तो छे स्वयं दत्त दिगंबर देव, परंपरा श्री दत्तनी राखी अही तत्खेव। पूर्वे श्री दत्तात्रेय राजा यदुने एम, चौबीस गुरु पोता तणा कई संभाव्या तेम। शूद्र वस्तु पण दे अरे बहु मोटो उपदेश, दत्त दृष्टि नी आखुबी का भूल्यो वरवेश। प्रकृति ना सहु तत्व थी पामी विध विध ज्ञान, गुरु मानी वंदी रह्या स्वयं दत्त भगवान। माटे तुच्छ न मानवू कोई ने आ जग माय, सहुमा प्रभु ने पेखिने फरवु मस्त सदाय। मध्य पिनारी बाईये पांडुरंग ने एम, नक्कर सत्य जीवीश्वनु समझाव्यु हातेम। आचरण मा मुक्या बिना व्यर्थ बधो उपदेश, कुतरा सम भस भस करे परिणाम न लवलेश। पांडुरंग ने ए स्त्रीए स्पष्ट कह्यू तू एम, तने व्यसन छे चातणु मने दारू नू तेम। एक व्यसन थी बद्ध जे अन्य व्यसनी ने केम, छोड़ावे शीरीत थी बद्ध बद्ध ने जेम। मध्य पिनारी बाईना आवा सुनी वचन,
अहम अज्ञान न साड़ियू ए बाईये आजी नयने ज्ञान जा सुधी न मुकी शकूं मुझ आचरण नी माय त्या सुधी ना पी शकूं बोध अन्य ने क्याय पोते चा छोड़िया विना पेली बाई ने विनवी दारू छोड़वा तोय न मानी ते शक्ति ना जोर थी थयो आ चमत्कार कोणे नफट नारी मां करियो आहा फेरफार पांडुरंगे मन विषे घणो करियो विचार लाद्यू आखर सत्य के ए शक्ति ते आचार आम मंत्र आचार नो मळियो एमने आम मध्य पिनारी बाईनी पासे थी ए ठाम पांडुरंगे ते थकी मानी निज गुरु मन मध्य पिनारी बाईनी कर्या हता वंदन प्रथम धर्म आचार छे आचरण थी उपदेश जे करे ते सत्य छे बीजा वधारे क्लेश जाते आचरण ना करे करे मात्र उपदेश वाणी शूरा वामणा धिक लजावे लेश धर्म ए तो आचारनी वस्तु मोटी जान वीण आचरे धर्म पण थाय अरे निष्ठान पांडुरंगे कोई दिन प्रचार मुख थी एम नथी करियो पण आचरी बताव्यु जगने तेम ते दिनों मा पांडुरंग राखता पंच केश दाढ़ी मूछ जटा थकी लागे साधु वेश हतो साधन काल आ स्वयं देहनु भान धीमे धीमे लुप्त हा थतु हतु तू जान एक वखत श्री पांडुरंग अमदावाद नाए रिची रोड ऊपर थई जता हताए थेम ताली पाड़ी बोलता फरी वड़िया चौपास नाटकनी आबाईडी जुओ जुओ भाई खास नाटकनी आबाईडी मोटे थी उच्चार करता टिखड़ी छोकरा फरी वड़िया देवार जराय क्रोध करिया विना चीड़ाया विण एम तेमनी साथे पांडुरंग हसता हसता तेम सूर निजनो पुरावीने तेमना सुरनी माय नाटकनी आबायणी बोलवा लाग्या बाळको साथे एम त्यां दई चपटी ने ताल हसता कूदता पांडुरंग गाई रया तत्काल टिखड़ी ने तोफानी ए छोरा आ जोई शर्माया मन मा अति आ
तो जबरो कोई माफी मांगी मनी भाग्या त्यांथी तमाम हसता हसता पांडुरंग उभा रह्या ते ठाम भर चक्रस्तो शहर नो रीची रोड नो जान ते पर उभरा तो रहे मानव मेरा मन ते रस्ता पर रे अरे टी खड़ी छोरा साथ ताल मिला भी नाचवू ताली पाड़ी हाथ ईशु सहलू काम छे बोल निरंजन बाड़ भल भला योगी तणी तूटे संयम पाड़ देहन थी हूँ हे हवू कहवू छे बहु सहेल पण छे एनु आचरण करवू बहु मुश्केल टकनी आबायडी कही छोराए एम चीडववा एने करियो घणो प्रयत्न तेम ना चीडायो ए अरे ना करी कई फरियाद क्रोध करी ने ना अरे बोल्यो ऊंचे साद राखी मन समतोल ने माथु ठंडु राखी छोरा साथ हा करियो धन्य व्यवहार पांडुरंग ना ते समे मन मा कयो विचार हतो चाल तो कहूं तने सांभळ शिष्य तुसार पांडुरंगे विचारियु क्षण भंगूर शरीर बीजाने क्षण भर अरे आपे आनंद धीर शू बगड़े छे माहरू हूँ तो छू निर्लेप मारा आत्मानंद मा ना पड़तो विक्षेप हूँ तो आत्मा नित्य छू अजर अमर अकबंद मारे ने मुझ देहने क्या छे कई संबंध तोफानी आ छोकरा जोई ने मारो वेश आनंदे तो भले भले मारे शेनो क्लेश आवी रीते पांडुरंग हरता देहा ध्यास साधना पथ पर स्थिर मने आगळ करता प्रवास एक दिवस नी वात छे स्वराज आश्रम माय त्रिपुटी त्रण मित्र नी साथे रहती त्याय स्वाश्रय ने सहकार थी एक बीजाना एम गांधी चींदी सुगढ़ता स्वच्छता राखी तेम रंग तो ते समय देह भान थी पर रहता ताते थी कहीं अरे ना पड़ी खबर वाड़ ओढ़वा ना कदी राखता कास को ए ना हम देह मारमी रहता सदा विदेह मोदी जी एक दिन जोयू मस्तक पर खद बदती जूली खत्यां थाती ती तरवर मोदी मन विचारता
जाना आसन ऊपर ना बैसे कदिए अन्य निशैया मा कदी नामू के निज दे लिंबू के अरिठा थकी सप्ताह मा बेवार माथु धोई साफ करे रहे न मेल लगार तोई क्या थी आवी आ झूलिख अपरंपार काई कशु समझायना अचरज पाम्या अपार मोदी जी तो ते क्षणे उपड़िया बजार माय सूक्ष्म दातनी कांस की खरीदी लाव्या त्याय कांस की ए झीणी थकी दिन मा त्रण त्रण वार माथा ऊपर फेरवी काढ़े झूली खबहार मोदी जी ए मत्या करी मेहनत दिन चार चू फौज ए शीर तणी हाकी काढ़ी बहार जी आरिते स्वयं दत्त भगवान मारा देहाध्यासनी करे कसोटी जान पांडुरंग रहता सदा अति सुघड़ने स्वच्छ एमने मन तो सर्वदा फुवड़पणु रे तुच्छ स्वच्छ शुद्ध खादी तणो धारण करे पोशाक गंदु गोबरु क्याय पण नाथ वादे धाक धोबी ने त्या धोईला अक्कड़ विध विध रंग स्त्रीदार के भभकता वस्त्रन धारे अंग शुद्ध खादी ना स्वच्छ ने धवल बगला पाक पांडुरंग नी सुघड़ता उड़ी ने वड़गे आंख एवा पांडुरंग नी साधन काड़े नित नित नवा प्रसंग थी थाय कसोटी तेम नित नित नौतम रंगने नित नित नवो प्रसंग जीवन झरण श्री रंगनु वहतु आम अभंग आगड़ना अध्याय मा स्वयं अलख दयाड आगड़ झरण वहावशे तोड़ी मौन निपाड बालक तो बालक रहो स्वयं भगवान हे नीली लाए नहे नहे के मनादान इति श्री रंगपादारविंद मिलिंद चुनीलाल बाल गोविंदोपाध्याय रचिते श्री रंगलीलामृते अलख निरंजन संवादे साधना काल वर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः।